बुजुर्ग ये भी कहते थे ना, जो सोता है वो खोता है, होता है। मुझे समझ नहीं आती थी वो खोता क्या है, पंजाबी में खोता ही उर्दू वाला। हां मैं कहती क्यों, क्या है ये जुमला, मतलब होता था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे अगर आप सोए रहोगे तो। वो और वो देखो मैंने ऐसी गुट्ठी में बांध ली, अपनी गिरा में बांध ली कि मैं स्कूल जाने के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी सुबह नहीं सोई, सुबह ही उठती रही। मेरी जॉब ही वही हो गई कि सुबह सवेरे उठना सब मुझसे पूछते हैं। मैंने आपको उस ट्रैक पे डाल दिया। यस हां आई एम ब्लेस्ड माशाल्लाह, क्योंकि मुझे सुबह उठने के बाद मुझे अंदाजा होता है कि मेरे पास एक पूरा चंक है दिन का, कितना कितना कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, सब कर सकते हैं। दिन की रोशनी में आपका दिमाग भी फ्रेश होता है, इतने काम कर लेते हैं आप, लेट उठे दिन ऐसे गुजर जाता है। और मैं दोपहर में नहीं सोती, मैं भी नहीं सोती, क्योंकि मुझे इतनी नहुसियत मनहूसियत सोना, ये एक और चीज होती थी कि ये जो दोपहर का सोना मतलब बीमार हो क्या, सो क्यों रहे हो, सो क्यों रहे हो। अच्छा मेरे मामू के घर पे ये होता रहा है, वैसे हम लोग समर वेकेशन में जाते थे तो आफ्टर लंच वो सारे घर वाले सो जाते थे, एलूला लस्सी पी के हम जाग रहे होते थे, हमें आदत थी देर के लिए। अम्मी ने कभी कहा ही नहीं था भाई दोपहर में सो जाओ तुम लोग, अब वो सब सो जाते थे जाके दो ढाई घंटे के लिए। हम तीनों बहन भाई ना अलग बैठ के ना कोने में कुछ ना कुछ खेल रहे हैं और ये वो, हमें नींद नहीं आ रही। मैं अगर साथ जाके लेट भी गए हैं तो नींद नहीं आ रही, करवटे ले रहे हैं। अच्छा ना मैं दोपहर को सोई हूँ ना मैंने अपने बच्चों को दोपहर में सोने की आदत डाली है, क्योंकि अक्सर मैं देखती थी कि स्कूल से बच्चे आए, चलो भाई सो जाओ सो जाओ, क्यों भाई मैंने रात को बच्चों को जल्दी सुलाना है, अगर रात को जल्दी सुलाना है आप दोपहर में नहीं सुला सकते, वरना आप कब सुलाएंगे, आएंगे बच्चे से पारा पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे, खेलने जाएंगे, तो फिर उनके पास टाइम कब होगा दोपहर में सोने का। तो मैंने बहुत सारी माओं को देखा है अभी भी मुझे याद है नानी थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, खाना वाने से फारिग होकर वो अपना रिसाला वगैरह पढ़ती थी, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, उनके सरहाने जो है वो किताबें रखी रहती थी। नानियां दादियां बुजुर्ग हो जाती हैं, उनको तो जरूरी है कि दोपहर में वो कैलूला करें, ऐसे अपना दुपट्टा उनका खास होता था नरम सा जो वो आंखों पे ऐसे डालती थी, और वो 15 मिनट सही है। वो जो आप एक पावर नैप कहते हैं ना वो मेरी अम्मी भी कहती थी, वो देखिए अगर आप फजर पे उठ गए बहुत लंबा हो जाता है, दोपहर को ज्यादा नहीं आधा पौना घंटा जिसे कहते हैं ना कि एक पावर नैप, जिसे कैलूला कह लें, कैलूला जरूरी भी होता है। फिर आप दोबारा उठ गए, फिर आपने चाय वाय बनाई आप वो, मगर वो जो होता है ना कि पूरी दोपहर आप सोए चले जा रहे हैं, वो जो चार चार तीन तीन घंटे सोते हैं भाई, आप उनके घर की बेल नहीं बजा सकते। मैंने नोट किया जब बहुत ज्यादा होता है ना कभी कभार दिल चाहता है, अच्छा गर्मी है तो अगर मैं दो घंटे दोपहर में सो जाऊं तो रात का जो मेरा टाइम है वो चार घंटे इंक्रीज हो जाए। अच्छा वो बेजारी डबल हो जाता है, बेजारी भी होती है ना, वो जो बहुत ज्यादा सोकर दोपहर में उठते हैं ना जी, बेजारी सी होती है। अच्छा छोटे बच्चों के साथ तो नानियों दादियों का एक अलग होता है ना, जब आप बड़े होने लगते हैं और जैसे आपकी शादी होने वाली है तो वो अजीब नानियों की ना बातों में नसीहतों में फर्क आना शुरू होता है। तो मुझे याद है क्योंकि मैं घर में छोटी थी तो बड़ी कजिन्स की बहनों की शादियां हो रही थी, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि बेटा शादी होगी ना तो याद रखना मैके में ससुराल की इज्जत रखते हो, ससुराल में मैके की, बिल्कुल बहुत सारी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो एक दिन मेरी बहन ने कहा नानी माँ हम ये दरगुजर करते करते ना खुद ही गुजर जाए को दरगुजर कर लो, तो वो कहती थी कि नहीं एक हद तक, तो मैं कहती क्या मतलब है आपका, क्या मतलब कि मैके की बात की इज्जत ससुराल में, ससुराल की मैके में। तो कहती थी कि देखो अगे एक और मुहावरा, जैसे आप कहती मुहावरे होते थे, अपना दामन उठाओगे तो अपना ही पेट नंगा होगा। तो हम हंसते थे इसमें ना कि क्या कह रही है ये, क्या कह रही है। तो मतलब बेसिकली ये था कि देखिए कुछ बातें आपके अपने घर की होती हैं, घर में ही वो आपकी बहनों के साथ लड़ाई मार कुटाई हो जाए, माँ बाप से कुछ भी हो जाए, अगर ससुराल में वो बात करोगे तो कल को वो ताना बनकर लग सकती है। तुम्हारी तो अपनी बहनों से ही बनती, तुम्हारी तो अपनी माँ से बदतमीजी तुम कर रही थी। सही बात है। सिमिलरली अगर आप ससुराल की हर बात आकर मैके में करेंगे तो छोटी मोटी बातें जैसे अम्मी कहती थी बर्तन बचते ही हैं जहाँ पर होते हैं, आप माँ बाप को भी परेशान करते हैं, उनका भी दिल दुखता है, उनका फिर जो है रवैया वैसा नहीं रह पाएगा। आप लड़े मरेंगे एक हो जाएंगे, माँ बाप वो वाली रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। तो जो चीजें तो बहुत जरूरी है और आपको लगता है आपकी बर्दाश्त से या आपकी हैंडलिंग से बाहर है तो वहाँ आप करें, मगर हर जगह छोटी छोटी बात। अच्छा मेरी नानी तो हमेशा एक बात करती थी, वो कहती थी कि किसी के पास जाकर उनसे शिकायत करना कि तुमने ये किया है मेरे भाई के साथ, या लाइक माय हस्बैंड लाइक माय मॉम, कोई भी अगर आप किसी के घर को जाके सीधा करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं वो गलत है,
अपने घर को पहले सही करो, बिल्कुल अपने घर को. लाइक अगर मेरे बचपन में मेरे भाई की अपने किसी स्कूल फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है, तो अम्मी भी ये बोलती थी कि मैं जाके जो उसको बोलूंगी बेटा, या उसके माँ बाप को जाके मैं बोलूंगी, मैं तुम लोगों को पहले क्यों ना सीधा करूँ, कोई बात तो हुई होगी दोनों. तो मेरी नानी मुझे और अब अम्मी कुछ भी बाहर जाके किसी को ना कहना, अपना घर पहले सबसे पहले सीधा करने की कोशिश करना. बाहर जाके सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट होगी, अगला बंदा नहीं समझेगा या अगली बंदी नहीं समझेगी. तो जो भी है तुम्हारे घर का जो भी है वो तुमने सही कर रहा है. और मैंने नानियों को देखा है कि वो दामादों का कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल रखती है, बहुत ज्यादा. खाना भी स्पेशल उनके लिए, खातरे भी उनके लिए बहुत स्पेशल. मेरी नानी दामादों के साथ साथ बहू का भी उतना ही ख्याल करती थी. हाँ, मेरे मामू कहा करते थे कि मुझे लगता है कि हम, मेरी अम्मी चार बहनें थी और एक भाई, तो वो कहते कि मुझे लगता है कि ये सब मेरा ससुराल है. मेरी बहनें भी मेरी बीवी की तरफदारी, स्पेशली मेरी अम्मी और मेरी माँ भी. और मेरी मुमानी आज तक ये कहती हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी नन थी, माई मदर, और अम्मी जान. मेरी नानी को अम्मी जानी कहती है कि अम्मी जान के जाने के बाद मुझे लगा मैं यतीम हो गई, क्योंकि मैं तो बड़ी उनके सामने हुई हूँ. मैं तो जो भी कुछ सीखा है उनसे सीखा है. सो ये चीज होती है ना कि किसी को अपने घर लेकर आना और उसको अपनाइयत से रखना. लेकिन एक बहुत फनी बात मैं बताऊँ, जो मेरी नानी की आदत थी और हम लोग कहते थे ये क्या करती हैं, जहाँ रिश्ता करना होता था ना, स्पेशली मेरे मामू की शादी होने वाली थी, तो ये कहती थी लड़की को नहीं देखते, लड़की की माँ को देखते. शादी करनी है तो अभी वो कहती थी नहीं. अच्छा, दूसरा उनकी भी आदत थी, और मेरी नानी की जो बहन थी अम्मी की खाला, उनकी भी आदत थी. जिस अम्मी कहती थी बचपन में कहीं जा रहे हैं, अब वो रिश्ता देखना है या कुछ करना है, अब वो कहती थी मुझे गुस्सा खाने जाना है. अम्मी कहती थी और अम्मी कहती हमें भेज देती थी कि जाओ जाकर किचन में मदद करवाओ. अरे भाई उनके घर आए, हम क्यों जाए उनके किचन में. कहती थी जिस घर में गुसल खाना और बावर्ची खाना साफ है, ये साफ नहीं है, तो ये वही बात होगी कि ऊपर से तो आप पूरा तैयार होगे लेकिन आपकी एड़ियां. तो मेरी अम्मी यही करती है ना, निदा मेरे भाइयों के लिए जाती है ना आजकल अपने लिए बहुएं तलाश करने, ये वाला काम करती है. कहती मैं ना बाने लाल उठी बाथरूम जाना, देखा एक सेकंड जैसे आधा घंटा गुजर गया ना, पहले तो वो कहती मैं ट्रे भी और टेबल भी चेक करती हूँ, चाय वाय तो रखते हैं ना डेफिनेटली. फिर वो कहती हूँ थोड़ी देर बाद में कहती हूँ मुझे बाथरूम जाना है ना, फिर उसके बाद वो बाथरूम से गुजरते गुजरते कहती किचन कहाँ है तुम लोगों का. देख ले भाई, अभी चलो बाथरूम पहले साफ करें फिर ड्राइंग रूम. और सेम आपने मेरी अम्मी वाली बात की है, मेरी अम्मी कहती है मैं लड़की को बाद में देखती हूँ, मैं पहले माँ की बातें सुन रही होती हूँ, उसका पहनावा देख रही होती हूँ. क्योंकि वो ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि मैंने अपने लिए बहू लेकर आनी है, तो कोई मतलब कजन या कोई दोस्त नहीं है, मैंने बहू लेके आनी है, तो वो ऐसी कोई एक्यूरेट होनी चाहिए. अल्लाह खैर करे, अब नहीं इस जमाने में नहीं मिलने की. नहीं लेकिन ना किसी पुरानी टिपिकल फैमिली में चली जाए, क्योंकि कहते हैं बेटियों का नहीं में आएगी, वो अपने घर से अपनी वैल्यूज लेकर आएगी, तो जो जनरेशन आगे लेके जाएगी डेफिनेटली आपके घर का माहौल बदल जाएगा.